एडवांटेज ऑफ प्राइमरी डेटा सोर्स, प्राइमरी डेटा के एडवांटेज क्या हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि आप इससे एक कोई भी जो इशू है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं एक गांव देखूंगा और इस गांव में अगर इनकम 5,000 से कम हुई एवरेज इनकम, तो मैं इस गांव की इनकम को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक अच्छा काम करूंगा जिससे इनकी इनकम बढ़ेगी। अब ये आपने जो क्राइटेरिया सेट किया है ये आप मैच कैसे कराओगे? जब आप ग्राउंड लेवल पर हर एक का डेटा कलेक्ट करोगे और आपने डेटा कलेक्ट किया तो पता लगा कि इस गांव की जो एवरेज इनकम थी वो 4,750 रुपीज़ थी। एग्जैक्ट मान लो कि 52 रुपीज़ थी। ये एग्जैक्ट निकल के आया जब आपने प्राइमरी डेटा सोर्स के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया, प्राइमरी कलेक्शन किया आपने डेटा का। तो इस केस में आप इशू को रिजॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने एक गांव का आपको यहाँ पर एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी थी और आपने नेट पर सर्च किया तो नेट पर लिख के आया 4,500 से 5,500, क्या इसमें आपका जो इशू है रिजॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए प्राइमरी जो कलेक्शन है डेटा का वो किया जाना इम्पोर्टेंट है। बेटर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, आपको एग्जैक्ट डेटा मिलता है एज इट इज़ डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन। जो भी गिवन पॉपुलेशन उससे कलेक्ट कर रहे हो आप, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है। आज की डेट में डेटा चाहिए, आज की डेट में मिल गया। अब इस डेटा को आपने क्या है किसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, आज से 3 साल बाद किसी को उसी गाँव में रिसर्च करनी हुई तो वो दोबारा थोड़ा ना जाएगा, उसी डेटा से कुछ ना कुछ निकाल लेगा। लेकिन क्या वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी? नहीं होगी। आज की डेट में मान लो 4,752 रुपये या 4,752 रुपीज़ एवरेज इनकम है, तो क्या 3 साल बाद भी वही होगी? नहीं होगी भाई। बहुत सारे इनकम सोर्सेज आ जाते हैं, लोगों में अवेयरनेस आ जाती है, तो इनकम जो है कहीं ना कहीं उनकी इंक्रीज ही होती है। तो आज की डेट पे देखोगे तो वो बढ़ी हुई होगी कहीं ना कहीं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर उस पर्सन को नहीं पता होगा जो कि 3-4 साल बाद रिसर्च कर रहा होगा, उसके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। यू आर द ओनर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इससे जो डेटा है इसके इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है इसका आपको ओनर कहा जाएगा। जो प्राइमरी रिसर्चर होता है ना वो हमेशा उस डेटा कलेक्ट, जो डेटा कलेक्ट करता है उसका हमेशा ओनर कहा जाता है। उसको वो कैसे भी अपने तरीके से वेबसाइट या किसी भी आर्टिकल की फॉर्म में पब्लिश कर सकता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। प्राइमरी डेटा जो है, आपने किसी गाँव में 100 घर थे, आपने पता किया कि उस गांव में 100 घर हैं और हर एक घर से मुझे डेटा कलेक्ट करना है। अब पहली बात तो 100 घर का आप एक ही टाइम पीरियड पे डेटा कलेक्ट कर पाओ ऐसा बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हो सकता है 4 तरीके से या 4 लेवल पर डेटा कलेक्ट करना हो, तो आप क्या करोगे, आपने 4 पार्टिसिपेंट रख लिए और वो अपने अपने जो लेवल पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनका अलग अलग उनको सेट कर दिया सिनारियो कि आपको इस सिनारियो में डेटा कलेक्ट करना है, आपको इसमें करना है, आपको इसमें करना है, आपको इसमें करना है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको उन पार्टिसिपेंट्स को भी पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये एक्सपेंसिव होता है किसी न किसी तरीके से, और भी बहुत फैक्टर्स एक्सपेंसिव होता है। लेकिन बेसिक जो हम समझना चाह रहे हैं वो यही है। इसके साथ हम बात करें कि कैन हैव ए लॉट ऑफ लिमिट्स, बहुत सारी लिमिट होती हैं। पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें टाइम होता है, जगह की भी इम्पोर्टेंस होती है। आप 100 घर में गए, इसके साथ ये पॉइंट भी बता देता हूँ, आप जैसे 100 घर में जाना है आपको, आप 90 घर में जा पाए, 10 घर में लॉक लगा हुआ था, आप 10 घर में नहीं जा पाए। अगले एक आध हफ्ते और ट्राई किया, आपको 2 घर और मिल गए, 8 घरों का डेटा अभी भी आपको नहीं मिला। तो आपने 1 महीने तक देखा लेकिन फिर भी आपको 8 घरों का डेटा नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सेसिबिलिटी जो है वो 100% ही हो, आपको हमेशा पॉसिबल 100% रिसर्च रिजल्ट मिले ही, ये ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद बात करें हम सेकेंडरी की, कि सेकेंडरी डेटा जो है उसके एडवांटेज क्या है। तो देख लो कि पहले वाले ने एक रिपोर्ट पब्लिश की या उस डेटा को किसी वेबसाइट पर डाल दिया, सेकेंडरी वाले ने क्या किया, उस डेटा को वहाँ से लिया और अपनी रिसर्च में यूज कर लिया। तो ये जो एक्सेस किया है उसने, ये इजी है कि हार्ड है? इजी होगा, एक क्लिक किया आपने, पता कर लिया कि 4600 ग्रेड पे में कितनी सैलरी आती है, या फिर आपने पता कर लिया कि राजस्थान में या फिर किसी कर्नाटक में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल 11 में सैलरी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो वो आपने एक क्लिक से पता कर लिया, किसी पर्सन से जाके नहीं पूछा, आपने सिर्फ एक क्लिक किया नेट पर और वहाँ मिल गया आपको। इजी ऑफ एक्सेस होता है, फ्री होता है कई बार, और कॉस्ट भी बहुत कम होती है, आपके नेट वगैरह की कॉस्ट लगेगी या फिर फ्री कह लो। टाइम सेविंग होता है, आपने एक क्लिक किया और 1-2 मिनट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ गई जो कि किसी पर्सन ने किसी भी किसी पहले वाले टाइम पर कभी बहुत अच्छा खासा टाइम लगा के कलेक्ट की थी।
इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस। अब देखो क्या है, मान लो जैसे जनगणना अभी होनी है, तो जनगणना के वैसे तो 2021 का प्रारूप है, लेकिन ये जनगणना जब होगी तो उसका 2011 से कंपैरिजन होगा। तो जब कंपैरिजन होगा तो ये जो 10 साल पहले का डेटा, ये कैसे आएगा? ये सेकेंडरी सोर्सेस की मदद से ही आएगा। आपने एक क्लिक किया और कुछ एक टाइम में ही आपको 10 10 15 15 साल पुराना डेटा आपको मिल जाएगा। वहाँ से क्या कर सकते हो आप, इन दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हो। तो ये कंपैरिजन भी जो है या एनालिसिस वगैरह सेकेंडरी डेटा के केस में ही पॉसिबल हो पाता है। अब यहाँ पर एडवांटेज तो हमने पढ़ लिए, डिसएडवांटेज क्या है इसके? देखो तो नॉट स्पेसिफिक टू योर नीड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी नीड को ये डेटा फुलफिल कर पाए। डेटा का कोई रिलायबिलिटी नहीं होती, इसकी अविश्वसनीय, मतलब जैसे आप कह सकते हो कि इस पर आप कंप्लीटली विश्वास नहीं कर सकते कि ये करेक्ट ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 4752 रुपये एवरेज इनकम थी, लेकिन 3 साल बाद जब किसी रिसर्चर ने कैलकुलेट किया तो बस उसने क्या किया कि एक बता दिया कि लगभग 5200 रुपये इनकी एवरेज इनकम हो गई होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कंफर्म हो गई, नहीं हुई कंफर्म, लेकिन इस केस में आप कंफर्म थे क्योंकि ये प्राइमरी डेटा था। और ये वाला जो डेटा है ये कैसा है, सेकेंडरी है, जो उसने खुद अपनी मर्जी से इंक्रीज करके बता दिया है। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द डेटा क्वालिटी, यहाँ पर क्या है, डेटा की क्वालिटी पर कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पर तो क्या है, आपको पता है कि मैंने 90 घर से डेटा कलेक्ट किया है या फिर मेरे जो है 92 घर से डेटा कलेक्ट किया है, एक्स वाई जेड, आपको एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट घर की जिस डेटा सोर्स से लिया है उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर होती है, लेकिन इस केस में आपके पास नहीं होती। हो सकता है इनकम ये 5200 ना होकर आपको जो है 7000 मिले आज की रियलिटी में, लेकिन क्या वो 7000 तक सोच पाया, 7000 ना होकर 7197 रुपीज़ हो, एग्जैक्ट फिगर तो उसको नहीं मिला ना, उसने यहाँ से कुछ परसेंट इंक्रीज करके यहाँ पर लिख लिया, तो इसकी क्वालिटी डेफिनेटली जो है वो कम ही होगी और उस पर विश्वास करना भी थोड़ा कठिन ही होगा। अब इसके बाद करें नेक्स्ट पॉइंट की, बायसनेस। देखो बायसनेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जैसे इसी गांव को हम लेके चल रहे हैं, विलेज को, आपने डेटा कलेक्ट किया और डेटा कलेक्ट करने पर के टाइम पर रिसर्चर का एक माइंड मेकअप था, है एक सेटअप था माइंड में कि मैं गर्ल्स एजुकेशन पर फोकस करूँगा, तो उसने अपना जो डेटा है वो गर्ल्स की तरफ फोकस रखा, उनकी एजुकेशन के स्तर को देखता हुआ उसने डेटा को कलेक्ट किया। आज से 3 4 साल बाद उसी गांव को आपको जो है डेटा कलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर क्या है, जो डेटा प्राइमरी लेवल पर कलेक्ट हुआ है अगर आप उसी से डेटा कलेक्ट करते हो तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको गर्ल्स एजुकेशन के लेवल पर बाइसनेस मिलेगी ही मिलेगी, जुकाम मिलेगा ही मिलेगा, उनका पक्ष रखता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ये यहाँ पर नॉट टाइमली लिखा हुआ है, मतलब कि एज डेटा इज कलेक्टेड इन पास्ट विच मीन्स इट माइट बी आउट ऑफ डेट, टाइमली नहीं है, अप टू डेट नहीं है। जो भी चीज़ हमने पहले प्राइमरी के केस में पढ़ी कि भाई अप टू डेट होता है, डिसएडवांटेज सेकेंडरी के केस में क्या है कि वो अप टू डेट नहीं होता है।